अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार का बड़ा उपहार। जल्द सरयू आरती स्थल पर लगेगा वाटर स्क्रीनिंग और साउंड सिस्टम। काशी विश्वनाथ मंदिर की मंगला आरती में शामिल होने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी, दोबारा ऑनलाइन मिल सकेंगे कैंसिल टिकट। प्रयागराज महाकुंभ के लिए लगभग 121 करोड़ की 30 परियोजनाओं को हरी झंडी, लगभग 58 करोड़ रुपए जारी। सावन में रामलला के वस्त्र और भोग में किया गया परिवर्तन, सूती वस्त्र धारण कर भक्तों को दे रहे दर्शन, रबड़ी दूध और दही का लग रहा भोग। रामनगरी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को राज्य सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल जल्द ही सरयू आरती स्थल पर वाटर स्क्रीनिंग और साउंड सिस्टम लगाया जाएगा। ये कार्य अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की देखरेख में किया जाएगा। रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू आरती में शामिल होते हैं, लेकिन जगह के अभाव के कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं अधिकतर श्रद्धालु आरती में शामिल भी नहीं हो पाते, इसलिए अब नई व्यवस्था से श्रद्धालु माँ सरयू की आरती का सुविधा पूर्वक आनंद ले सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। यहां होने वाली मंगला आरती के कैंसिल टिकट अब उन्हें दोबारा ऑनलाइन मिल सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत श्रद्धालु आरती से 3 घंटे पहले तक इसकी बुकिंग करा सकेंगे। श्रद्धालु इसकी बुकिंग मंदिर की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से भी कर सकेंगे। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इसी कड़ी में शासन की ओर से लगभग 121 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के लिए शासन ने पहली किस्त के रूप में 58 करोड़ 23 लाख रुपए जारी किए हैं। महाकुंभ में सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग परेड मैदान पर प्रीमियम टेंट भी बनवाएगा। साथ ही शहर में सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के भोग और वस्त्र से जुड़ी व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी के अनुसार ऋतु के हिसाब से रामलला के वस्त्र और भोग में बदलाव किया जाता रहा है। सावन माह में रामलला सुविधाजनक सूती वस्त्र धारण कर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, वहीं उन्हें रबड़ी दूध और दही का भोग भी लगाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च कर मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा। यही नहीं, राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रदेश के महत्वपूर्ण स्मारकों तथा मंदिरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्य सहित अन्य सुविधाओं पर 140 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। राज्य के 23 मंदिरों और 3 जनजाति आस्था के केंद्रों के लिए विकास कार्य भी होंगे। प्रयागराज में प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। कॉरिडोर के लिए मंदिर को 11,186 वर्ग मीटर जमीन चाहिए। सेना ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कॉरिडोर निर्माण की अनुमति दे दी है और जमीन की अदला बदली की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सेना को अतिरिक्त जमीन दी जाएगी। कॉरिडोर का काम 2 चरणों में होगा। पहले चरण का काम दिसंबर तक पूरा करना होगा, जबकि दूसरे चरण का काम महाकुंभ के बाद किया जाएगा। निर्माण के दौरान श्री बड़े हनुमान मंदिर में 6 द्वार बनाए जाएंगे।